यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम, बीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा जैसे कि इंडिया से हज कमेटी के जरिए लोग हज करने जाते हैं, वहाँ उनको किस किस तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसमें एक हमारे चीफ एडिटर बॉम्बे प्रेस के शराफत खान साहब गए, उन्होंने किस तकलीफों का सामना करना पड़ा वो बताएंगे हमें। जी सर, क्या किस तरह से आपको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा? एक बात मैं बता दूं कि हज कमेटी और टूर, ये दो रास्ते हैं जिनसे हिंदुस्तान के हाजी हज के लिए जाते हैं या उमरा के लिए जाते हैं। लेकिन जहां तक हज कमेटी का ताल्लुक है, हज कमेटी हमेशा ये दावे करती है कि जो हाजी हमारे यहां से जाते हैं या हमारे जरिए जाते हैं, उनको हर तरह की सहूलत हम मुहैया कराते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा तजर्बा है, क्योंकि इस साल 2019 में मैं खुद हज के लिए गया, सऊदी फ्लाइट थी और फ्लाइट के जाने तक या यहाँ के एयरपोर्ट से जब हम रवाना हुए, यहाँ की तो बात ऐसी है कि यहाँ में हमें अपने सामान को टच करने या उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई जी। और मदीने से भी यही हाल रहा, मदीने में भी हाजियों को ये सहूलत मुहैया थी कि उनको सामान उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, और जो हाजी थे, जो उम्र दराज थे, उनको गाड़ी और हर तरह की सहूलत मुहैया कराई गई थी मदीने में भी। आपको बाकी किस तरीके का आपको सामना करना पड़ा, आपके सामने किस तरह की परेशानी हो, आपने क्या देखा वहाँ जाकर? मैं समझता हूँ एक परेशानी हो तो बताऊं, परेशानियां तो लाताहत थी, लेकिन जो हज के 5 दिन हैं वो जो सबसे अहम होते हैं, वो सबसे ज्यादा सख्त साबित होते हैं हर हाजी के लिए जी। क्योंकि वहां लाखों का मजमा होता है, लाखों लोग एक साथ होते हैं, और उसमें जिन लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसमें हज कमेटी भी है, और हज कमेटी के जरिए जो अपॉइंट किए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं मौलिम, उनकी जिम्मेदारी है। मौलिम ने किस तरह का मतलब आपको सहूलत मुहैया कराने में ना काफी साबित हुए? मैं समझता हूँ जो हमारे मौलिम थे, जिनका मौलिम नंबर था 134 जी और नाम था रमजानी जी, वो तो शुरू से ही नाकाम साबित हुए। जिस वक्त वो हमें जद्दा एयरपोर्ट से होटल ले गए, होटल में जाने के बाद उनका पहला फर्ज था वो हाजियों से मुतारिफ होते, उनको ये बताते कि मैं तुम्हारा मुअल्लिम हूँ जी जी, ये मेरे बंदे हैं, कुछ काम हो, कुछ ज़रूरत हो तो हमें आप इस तरह से बता सकते हैं, हमें इस तरह से इतला दे सकते हैं। ना उन्होंने हमें किसी तरह का टेलीफोन नंबर दिया, ना किसी तरह का ये बताया कि हम आपके मौलिम हैं। ये तो एक आपके साथ में, आपने और कितने लोगों के साथ इस तरह का देखा मामला कि जो इस तरह की तकलीफों से एकदम रूबरू होना पड़ा है? सबसे पहली तकलीफ जो अरफात से शुरू होती है, अरफात में जिन खेमों में हाजियों को ठहराया गया था उन्हें रात में वहां पहुंचाया गया, खेमों में बिल्कुल गुप अंधेरा था, उस पर हाजियों के साथ उनकी बीवियों को भी वहीं ठहराया गया। इन कैंपों का कोई नंबर नहीं था, अंधेरे की वजह से हाजियों ने अपने मोबाइल की बैटरी से काम लिया, एक तो अंधेरा, फिर ख्वातीन वो हजरात को एक ही कैंप में ठहराना और ये कहना, कहाँ तक सही था कि सब कैंप हमारे हैं, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ रुक जाओ, खेमों में तेज़ बारिश से बचना और तेज़ हवाओं से महफूज रहने में रहने जैसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, क्योंकि अरफात में इत्तेफाक से उस दिन बारिश हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई कि खेमे उखड़ने को तैयार, आरजी खेमे थे,
तो बारिश में भीगे भी और तकलीफें भी उठाई। तो क्या आप कहना चाहेंगे हज कमेटी को, इनकी जो खामियां हैं उन पे, जिससे कि ये नजर डालें, गौर करें, अगली बार नेक्स्ट टाइम इस तरह की तकलीफों का सामना हाजियों को ना करना पड़े। सबसे पहले जिस मुअल्लिम को आप हाजियों के लिए मुकद्दर करते हैं उनका कम से कम उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए और देखा जाए। जबकि इनके जो खादिमीन जाते हैं वो मुअल्लिम से डरते हैं, ना कि मुअल्लिम इन खादिम से डरे। वो मुअल्लिम इस तरह के होते हैं कि मुअल्लिम की बात तक नहीं सुनते। मीना से अजीजिया जाने के लिए आखिरी दिन मुअल्लिम नंबर 134 ने हाजियों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, इंतज़ाम नहीं किया, जिसके लिए हाजियों और हज्जन को सख्त परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से कई हाजी और हज्जन बीमार हो गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, हज कमेटी या वो मुअल्लिम? और कुछ और सर, इसके अलावा कितनी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा कि जिससे कि आने वाले साल में, आने वाले वक्त में जो हाजी जाएंगे उनको एक सीख मिले, उनको भी एक समझ में आए, इस तरह की तकलीफों का उनको सामना ना करना पड़े? सर अब मैं बताऊं, हम मदीना मनवरा पहुंचे, मदीना मनवरा के जिस होटल अनवरुल वसाम में हमें ठहराया गया उसमें बाथरूम की कुंडी तक नहीं थी। ऊपर से बाथरूम में कड़ी तक मौजूद नहीं थी, कड़ी नहीं थी, कुंडी नहीं थी, ऊपर से गंदा पानी हमारे बाथरूम में गिर रहा था, जिसकी वजह से बार बार नापाकी का एहसास होता था। और वाश बेसन में अगर आप हाथ मुंह धोने जाते हैं, इसके बाद वाश बेसन में पानी भर जाता था, वजू के लिए काफी दिक्कत और मुश्किल होती थी। सफाई किसी तरह की वहां आपको नजर नहीं आई? नहीं। आखिर क्या ये जिम्मेदारी मुअल्लिम नंबर 134 की नहीं थी या हज कमेटी की नहीं थी कि वो एक बार उस होटल का जायजा लेते जहाँ हाजियों को ठहरना था? हज कमेटी या मुअल्लिम ये क्यों भूल गए कि हाजियों के साथ ख्वातीन भी हैं, होती हैं, जिनकी जरूरतें हाजियों से ज्यादा होती हैं, मर्दों से ज्यादा होती हैं। जी जी सर, ख्वातीन जो हैं उनको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा सर? अब ये समझ लीजिए, एक ही कैंप में हाजियों को भेड़ बकरियों की तरह भर देना, आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह के मेहमानों के साथ ये सुलूक तो शायद कोई दुश्मन भी ना करता, जो हज कमेटी ने किया या उस मुअल्लिम नंबर 134 रमजानी ने किया। तो सर लगता है आपको ये मुअल्लिम को तक बात करेंगे हज कमेटी के लोग और इस तरह की तकलीफें आगे पेश ना आए? मेरा आपके तवस्सुत से या आपके जरिए ये पैगाम पहुंचाना है, ये मैसेज पहुंचाना है कि जो इस दफा हाजियों के साथ हुआ दूसरी दफा ना हो, और हज कमेटी कम से कम इस बारे में सीख ले। मुअल्लिम 134 के लोग जो खाना मीना में हाजियों को रात में देते थे, वही खाना जो बच जाता था सुबह में वही हाजियों को दिया जाता था। सुबह नाश्ते में रात का बचा हुआ खाना दिया जाता था। तंदूरी रोटी तो ऐसी होती थी कि दांतों की बजाय उसे छुरी या आरी से काटना पड़े, इसलिए वो खाई नहीं जाती थी। इसलिए अल्लाह का ये रिस्क डस्टबिन कचरे के डिब्बे में चला जाता था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन, हज कमेटी या मुअल्लिम? सर उसमें ज़ईफ़ लोग होते हैं, जब आपको इस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इतनी सख्त रोटियां आपको मिली, तो जो एकदम ज़ईफ़ लोग हैं उनको तो और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा। और सर एक दूसरी बात यह है कि ये तो आपने अपना बताया कि बाकी कितने लोग तो इस तरह के मैसेज दे नहीं पाते हैं और अपने तकलीफ़ों को अपने दिल में जो है रख करके अपने घर पहुंच जाते हैं और तकलीफें। हर हाजी ये सोचता है कि मैं अल्लाह के घर गया, क्या शिकायत करूं, क्या किसी से गिला करूं। ये अगर हर तरह हर लोग जितने भी हाजी हैं यही सोचकर बैठते रहेंगे तो ये तकलीफें का निपटारा कैसे होगा सर? हर हाजी ये सोचता है कि शायद अल्लाह की मर्जी है, शायद हज इतना ही सख्त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हज बहुत आसान हो सकता है अगर हज कमेटी चाहे तो और मुअल्लिम चाहे तो। हज कमेटी अगर मुअल्लिम पर दबाव डाले या अपने ढंग से उन पर नज़र रखे और उनकी कारकर्दगी का बराबर जायजा ले तो कोई मुश्किल नहीं कि हाजियों को हर तरह की सहूलत मुहैया हो और हर हाजी हज करने के बाद खुश खुश
अपने घर जाए, अपने वतन वापस लौटे और अपने घर वापस लौटे और हज कमेटी को दुआएं देता रहे, मौलिम को दुआएं देता रहे। तो हज कमेटी को जो सर ने बताया अपनी तकलीफें बयान की, वहां जाकर के देखा पब्लिकों ने किस तरह तकलीफें उठा रही है, जो हाजी हैं किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो हज कमेटी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की तकलीफों का हाजियों को सामना न करना पड़े।